रानी अवंतीबाई चौक कोका में रविवार को हुए दर्दनाक हादसे में कैंप निवासी एक युवक की नगर निगम भिलाई की डंपर गाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद निगम क्षेत्र के पार्षदों एवं समाज सेवियों ने उस पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग करते हुए आयुक्त प्रकाश सर्वे और महापौर से मुलाकात की। रविवार को अवंतीबाई चौक से गुजरती हुई नगरपालिक निगम भिलाई की डंपर गाड़ी ने एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिसे लेकर चौक के निर्माण और वहां फैली अव्यवस्था की चर्चा आम हो गई। इसके बाद नगरपालिक निगम भिलाई के विपक्ष के पार्षदों ने आयुक्त और महापौर से मुलाकात की और उस युवक के परिवारजनों के जीवन यापन के लिए उसके परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की, साथ ही उचित मुआवजा भी देने की मांग की। इस मौके पर सुपेला थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ मौजूद रहे, क्योंकि इनके साथ कई और सामाजिक संगठन भी इस मांग को लेकर आयुक्त से मिलने आए थे। सभी की मांगों को देखते हुए मृतक के परिवार की यथास्थिति को भांपते हुए आयुक्त और महापौर ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस संदर्भ में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और महापौर नीरज पाल से चर्चा करने के उपरांत लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को दी। जैसे कि आपको मालूम है कि कल एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें नगर निगम की जो सफाई वाहन है उससे वो क्रमांक CG07 CB07 45 गाड़ी थी, जिसका चालक द्वारा लापरवाही से एक व्यक्ति जो कैंप एक में रहता राजा राम चौधरी करके था, तो उसको कुचल दिया गया था और दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद आज हम यहाँ पर नगर निगम में आए हुए हैं और आयुक्त महोदय से मिले हैं, जिसके द्वारा आज आश्वासन प्राप्त हुआ है कि उनके परिवार को उनके एक सभा होगी और सभा में जो है उनके परिवार के एक सदस्य को जो है नौकरी दी जाएगी। इस प्रकार से जो है अपना जो हमने ये यहाँ पर अपना ज्ञापन दिया हुआ है और एक ज्ञापन जो है माननीय न्याय दंड अधिकारी को है, जिसमें 25,000 का जो प्रावधान है उनकी तरफ से दिया जाएगा और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो नगर पालिका निगम द्वारा जो है बताया गया है कि वो दी जाएगी, इनकी बैठक में जो तय होगा। मैं गुरुनाम सिंह छत्तीसगढ़ सिख पंचायत एवं जिला उपाध्यक्ष श्री राम जन्म समिति। सबसे पहले तो सिटी एसपी और पहुंचे हुए और सारे पार्षद ने मिल के यह बात प्रस्ताव रखा गया है कि जो भी परिवार है उनको निगम के द्वारा या जो भी सरकार के द्वारा जो भी जो अनुदान राशि के रूप में जो दिया जाता है उसको जितना जल्द से जल्द हो उसको स्वीकृत किया जाए, पारित किया जाए, उसके परिवार को दिया जाए और साथ ही साथ जो भी है उनके घर के कोई भी मेंबर को एनीवन उसके काम किए हुए ताकि सहारा उनके घर में मिल सके और जीवन यापन में कोई तकलीफ ना हो। और इसके लिए हम सभी पार्षदें बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं, सारा नगर निगम कर रहा है और जो भी त्रुटि हुई है उस पर एक्शन लिया जाएगा। जो भी ठेकेदार की गलती है, जो भी जो गाड़ियों के लिए जो जिम्मेदार है जिसके पेपर सही नहीं थे उसके लिए भी सारी एक्शन लिया जाएगा। कमिश्नर साहब के द्वारा हमें यह बताया गया है और यह जानकारी दी गई। देखिए, मांगे कुछ नहीं है, घटना हुई है, उस परिवार जो उसका परिवार है वो परिवार के ऊपर इतना बड़ा दुख आया है और उसको आर्थिक सहायता मिले इसको लेकर के बात कर रहे हैं। और नगर निगम की गाड़ियों का, बहुत सारी गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है, आरटीओ नहीं है, फिटनेस नहीं है, इसी चीज़ को लेकर के हमने ये मांग की है कि अगर ऐसी गाड़ियां सड़क पे चल रही हैं तो जो चलाने वाले अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और जो परिवार को मिलने वाला लाभ है जो उसको आर्थिक सहायता मिलनी है, अगर इंश्योरेंस के माध्यम से नहीं मिलेगा तो वो नगर निगम दे, या नगर निगम नहीं देता तो उनके अधिकारियों के वेतन से काट के दिया जाए। यही मांगों को लेकर आज हम लोग नगर निगम कमिश्नर के पास बैठे। क्या सहमति बनी है? सहमति ये बनी है कि उसके परिवार से एक प्लेसमेंट में नौकरी दी जाएगी, क्योंकि नियमित नौकरी के इनके पास अधिकार नहीं है और आगामी सामान्य सभा में आर्थिक सहायता या परमानेंट नौकरी के लिए कोई प्रस्ताव हम सामान्य सभा से सर्वसम्मति से यहाँ से भेजेंगे और शासन से निवेदन करेंगे कि उसको कोई लाभ मिले। नहीं, हम लोगों ने तो पहल ये किया था यहाँ पे कि एक गरीब परिवार को एक अच्छी राशि मिल जाए ताकि इसका परिवार का गुजर बसर हो सके और इसके घर में कोई कमाने धमाने वाला नहीं है, तो ये चाह रहे थे कि घर से कोई भी एक जिम्मेदार आदमी को यहाँ से कोई नौकरी चाकरी की व्यवस्था कर दे, लेकिन हमको यहाँ से कोई ठोस आश्वासन नहीं है। प्लेसमेंट का एक आश्वासन मिला है कि प्लेसमेंट नगर निगम दे देगी। नगर निगम कमिश्नर साहब ने बोला कि हमने कहीं पे भी इसको प्लेसमेंट के नाम पे प्लेसमेंट यानी 8-10 हज़ार की नौकरी जो होगी जब तक ये करना चाहेगा या जब तक वो निगम कराना चाहेगी या वो चाहे तो कई बहाना बना के इनको निकाल भी सकती है, लेकिन हमारा ये प्रयास है जो गाड़ी का पेपर वगैरह नहीं है उन पे ठोस कार्रवाई हो, उस अधिकारी पे हो जो गाड़ी चलवा रहा है, उस अधिकारी पे FIR हो और संबंधित गाड़ी का मालिक या प्रशासन जो इंश्योरेंस क्लेम हो, जो भी
हो इंश्योरेंस क्लेम के लिए हम भिड़ेंगे। इंश्योरेंस अब वो पेपर अगर ठीक ठाक होगा तो वो देगा, नहीं तो पार्टी देगी। नहीं, ऐसी बात सामने आ रही है कि जो गाड़ी जिस गाड़ी से दुर्घटना हुआ उस गाड़ी के पेपर्स क्लियर नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, उसका फिटनेस नहीं है। हाँ। तो उस स्थिति में क्या मांग करेंगे आप? उस स्थिति में हम कोर्ट क्लेम करेंगे और कोर्ट से जैसा आदेश आ जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर पेपर कंप्लीट नहीं है तो जो भी संबंधित जिम्मेदार होगा वो इसका क्लेम भरेगा। अगर वो अधिकारी होगा तो अधिकारी देगा। और मैं ये भी चाहता हूँ ना कि ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ अभी नगर निगम में ऐसी घूम रही होगी, हमने कमिश्नर साहब से चर्चा किया है और कमिश्नर साहब से बातचीत किया है कि ऐसे सभी गाड़ियों की चेकिंग किया जाए और जो भी संबंधित अधिकारी इस चीज़ में आ रहे होंगे, इसमें सहयोग कर रहे होंगे, सबको उस पर ठोस कार्रवाई किया जाए। अवंतीबाई चौक के पुनर्निर्माण के बाद से ही यह चौक विवादों के घेरे में रहा है और अब यहाँ की अव्यवस्थित होती यातायात प्रणाली को सुगम बनाने यातायात विभाग दुर्ग और नगर पालिक निगम भिलाई को जल्द कोई ठोस कदम उठाना होगा, अन्यथा ऐसी घटनाओं की बारंबारता को रोकी नहीं जा पाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।